कौन सी होटल में ठहरे थे, वहाँ क्या मीटिंगें हुई थी, कौन कौन बिल्डर उनसे आके मिले थे, कौन से देश से आके मिले थे। अभी तो इन्वेस्टिगेशन फुल फ्लेज जब शुरू होगा तब पता चलेगा संजय राउत क्या चीज है। कल रात को ईडी ने 12 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? गिरफ्तार तो किया है एक पत्राचार में, अभी को मनी लॉन्ड्रिंग, फेरा फेमा और सब चीजें बाहर आएगी। आपने देखा ना अनिल देशमुख को, नवाब मलिक को क्या हुआ? अभी तो धीरे 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 ये जो संजय राउत संजय पांडे ने माफिया गिरी के कारण सब दबे हुए थे, आगे आगे देखो होता है क्या। जिस तरह से जेपी नड्डा जी का बयान सामने आया कि महाराष्ट्र में से धीरे धीरे शिवसेना खत्म, हाँ उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली शिवसेना एक इधर एक उधर, अब एक विधायक कितने सांसद कितने वही उनको पता नहीं है उनके साथ में, और उनका दाहिना हाथ संजय राउत गए जेल में, उनका बल माफिया पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जेल में, उनका जो लेफ्ट हैंड है अनिल परब उनके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रारंभ हो चुका है जो दापोली क्रिमिनल कोर्ट में, अब अगर के तीसरे सप्ताह में आदेश निकलेगा, सुनवाई टेक्निकलिटी पूरी हो चुकी है, उसमें अनिल परब के जो गैर कानूनी रिसोर्ट के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्रारंभ उसमें भी हो जाएगी। अपन पाहतोय किरीट सोमय्या यांनी ही प्रतिक्रिया दिली होती, देशमुख आणि मलिकांप्रमाणे आता ते सुद्धा जेलमध्ये जातील आणि आगे आगे देखो होता है क्या, अशा स्वरूपाचं सूचक वक्तव्य सुद्धा सोमय्या यांनी केलंय।